ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में भारत को 46वां स्थान मिला। दोस्तों, खुशी की बात यह है कि भारत का जो रैंक है वह सुधर करके ऊपर उठ रहा है और ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में अभी वर्तमान इसका जो रैंक है वह है 46वां, यानी कि 46। तो इसके बारे में जानकारी को थोड़ा देख लेते हैं। विश्व बौद्धिक संपदा संगठन के ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2021 के रैंकिंग में भारत 2 स्थान ऊपर चढ़ करके 46वें स्थान पर पहुंच गया है। इससे पहले भारत 48वें स्थान पर था। तो दोस्तों, विश्व बौद्धिक संपदा संगठन जो है एक संगठन है, तो इसी के द्वारा ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स जारी किया जाता है। तो ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2020 यानी कि 2021 के जो रैंकिंग है उसमें भारत का जो रैंक है वह 2 स्थान ऊपर चढ़ गया है, यानी कि भारत 2 स्थान का अपना सुधार किया है और अभी 46वें स्थान पर पहुंच गया है। इससे पहले यह 48वें स्थान पर था, यानी कि 48 पोजीशन पर था इस रैंकिंग में। अगर हम बात करते हैं कि इस ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2021 में कौन से देश पहले, दूसरे, जो तीसरे नंबर पर हैं, तो जो पहले नंबर पर है वह है स्विट्जरलैंड, दूसरे नंबर पर है स्वीडन और तीसरे नंबर पर है अमेरिका। तो ये पहले, दूसरे और तीसरे हैं इस रैंकिंग में, और भारत का जो पोजीशन है मैंने आप लोगों को बता ही दिया, वह है 46। तो हो सकता है यहाँ से करंट अफेयर्स में आपके लिए एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि वर्तमान में ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में भारत की रैंकिंग कितनी है, फिर ऑप्शन आपको दे दिया जाएगा। तो उसमें से आपको जिस ऑप्शन में रहेगा 46 पोजीशन, उसी में आपको टिक कर लेना है। तो यह एक बहुत बड़ी अपडेट है। इसके अलावा में अगर हम बात करते हैं नए करंट अफेयर्स यानी कि दूसरे करंट अफेयर्स की, तो एयर मार्शल VR चौधरी भारतीय वायुसेना के नए चीफ नियुक्त किए गए। तो यह भी एक बहुत बड़ी अपडेट है, नया करंट अफेयर्स है कि भारतीय वायुसेना के नए चीफ की नियुक्ति हो गई है और इसमें VR चौधरी को नए चीफ बनाए गए हैं। VR चौधरी का पूरा नाम है विवेक राम चौधरी। तो यह भी आपको याद रखना है कि इनका जो है पूरा नाम वह है विवेक राम चौधरी। दोस्तों, VR चौधरी वर्तमान चीफ RKS भदौरिया का स्थान लेंगे, जिनका कार्यकाल 30 सितंबर 2021 को ख़त्म हो रहा है, यानी कि 30 सितंबर 2021 में जो भी वर्तमान चीफ हैं RKS भदौरिया, उनका कार्यकाल ख़त्म हो रहा है। उसके बाद से जो नए नियुक्त किए गए VR चौधरी वो इनका स्थान को लेंगे। दोस्तों, इनके बारे में थोड़ी सी जानकारी को देख लेते हैं। तो वर्तमान में VR चौधरी वाइस एयर चीफ मार्शल हैं, तो वर्तमान में ये वाइस एयर चीफ मार्शल हैं और पश्चिमी एयर कमांड को कमांड कर रहे हैं। और अभी वर्तमान में ये पश्चिमी एयर कमांड, जिसको वेस्टर्न एयर कमांड आप लोग कह सकते हैं, WAC, तो उसी को कमांड कर रहे हैं। तो ये एक नई अपडेट है कि 30 सितंबर 2021 के बाद में नए भारतीय वायुसेना के चीफ जो रहेंगे वो रहेंगे विवेक राम चौधरी, यानी कि VR चौधरी। तो ये दोनों इम्पोर्टेंट है आप लोगों के लिए, हो सकता है करंट अफेयर्स में आपके लिए क्वेश्चन पूछ लिया जाए।